हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन फैशन में। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज मैं बेबी का फ्रॉक बना रही हूँ। तो उसके लिए फ्रेंड्स, ये रेडीमेड टॉप का कपड़ा मिलता है, इस टाइप से मिलता है। फ्रेंड्स, कोई भी डिज़ाइन ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो ये देखिए, फ्रंट का और बैक का दोनों पीस हैं। ये मेरा फ्रंट का है और ये मेरा बैक का है। इस पे साइज ऑलरेडी लिखा होता है, जो चेस्ट होता है फ्रेंड्स वही साइज होता है। तो चलिए अब इसको हम कट कर लेते हैं। पहले मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी, नहीं तो आप दोनों भी कर सकते हैं। अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड कर लिया है एम्ब्रॉयडरी के अनुसार। और अब ये हमने स्केल लगाया है, जिससे कि हम इसके जो शोल्डर है उस पे मार्किंग कर सके। तो मैं 5 रखूँगी फ्रेंड्स, उसके बाद आर्म होल भी मैं 5 रखूँगी। ये देखिए, और जो इसकी चेस्ट है फ्रेंड्स वो 24 है, और 1.5 इंची में एक्स्ट्रा रखूँगी। ये देखिए, लेंथ फ्रेंड्स जितनी है उतनी रखेंगे। ये देखिए, और अब नेक फ्रेंड्स मैं दोनों अलग अलग कट करूँगी। ये देखिए, फ्रंट का मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए और बैक का मुझे थोड़ा छोटा चाहिए। तो उसी के अनुसार हम जब सिलेंगे तब इसका डिज़ाइन बनाएंगे। कमर में फ्रेंड्स मैं पूरा रखूँगी, क्योंकि इसमें मुझे, ये देखिए, जब मैं सिलूंगी तब मैं इसमें पीछे एक कट लगाना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इस टाइप से, जैसे कट करते हैं, वीडियो बंद हो गई थी इसलिए नहीं हो पाई है, कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक का नेक कट नहीं किया है फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से, ये देखिए, ये फ्रंट का पीस है। इधर से कोई कटिंग नहीं की है, फ्रंट की कटिंग की है और बैक की है। और अब हम दोनों पीस अलग कर लेंगे कट करके, क्योंकि इधर मुझे चैन लगानी है। बच्चे का है, चैन हुक जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं। तो ये हमारी कटिंग हो गई है चोली की। अब ये मेरा लाइनिंग का कपड़ा है, तो मैं 9.5 रखूँगी चोली की, हमारी जो लंबाई है। ये देखिए, इसको हम इस टाइप से निशान लगा लेंगे। और फ्रेंड्स जो शोल्डर है वो मैं 5 रखूँगी, 4.5 रखूँगी आर्म होल फ्रेंड्स। ये देखिए, और जो चेस्ट है बेबी का वो 24 है। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। 6 पे मार्क लगाएंगे और 2 इंची हम एक्स्ट्रा रखेंगे। और अब इसका हम हाफ करेंगे और 1/2 इंची हम बैक साइड लेंगे। देखिए, और ये हम फ्रंट की गोलाई करेंगे फ्रेंड्स, और ये हम 1 इंची के ऊपर, ये देखिए, यहाँ से 1 इंची का मार्क लगाएंगे और ये हम बैक साइड की गोलाई करेंगे। देखिए, इधर कमर हमारी 22 है फ्रेंड्स, तो हम 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा, और 1.5 इंची हम कटिंग के लिए रखेंगे और दोनों को मिला लेंगे। अब नेक बनाएंगे, तो नेक फ्रेंड्स में 2.25 का रखूँगी विड्थ, और लेंथ फ्रेंड्स में फ्रंट की मैं 3.5 पे रखूँगी। राउंड नेक बनाऊँगी फ्रेंड्स, ये देखिए, और अब हम इसकी गोलाई कर लेंगे। ये देखिए, और पीछे का हम 2 इंची पे नेक बनाएंगे। ये देखिए, ये हम इसकी भी गोलाई कर लेंगे। ये मेरे दोनों पार्ट हो गए हैं। ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले चोली की लेंथ कट करेंगे।
दोनों पीस को हम अलग करेंगे और फ्रंट की नेक बाद में कटिंग करेंगे, जो हमारा मेन पीस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फ्रेंड्स ये हमारी कटिंग हो गई है फ्रंट की और बैक की। ये हमारी लाइनिंग है, जो मेन फैब्रिक है उसी पे हमको कटिंग कर लेनी है। और टू पीस जो हमने नीचे के घेरे के लिए हैं फ्रेंड्स, की जो लंबाई है टोटल लंबाई में से चोली की लंबाई हम माइनस कर देंगे, तो 9 हमने माइनस कर दिया है फ्रेंड्स और 16 हमने जो रख लिया है। जो टोटल लंबाई है हमारी वो 25 है, ये देखिए 16 है, 1 इंच हमारा चला जाएगा। ये देखिए 16.5 है फ्रेंड्स, ये देखिए, तो 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा। और ये नीचे का पीस है जो हमारा मेन होगा, वो 1 इंच इससे इस वाले जो लाइनिंग वाले से एक्स्ट्रा आएगा फ्रेंड्स। तो हमारे 25 रेडी होगी फ्रॉक। देखिए इससे हमने डबल ले लिया है, ये देखिए, ये डबल लेने से क्या होगा, इसकी भी हमारी प्लेटें अच्छी आ जाएंगी। और ये देखिए ये प्लेटें आएंगी, तो ये हमारा अच्छा घेर वाला बन जाएगा। और अब मैं आपको मेन फैब्रिक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो लंबी होने की वजह से 2 मीटर नेट का पीस लिया है। ये देखिए ये जो नेट का पीस है 2 मीटर है, 2 मीटर के मैंने विड्थ में से ये देखिए 6-6 इंची के, ये देखिए 6 इंची के पीस कट कर लिए और लेंथ में पूरे 2 मीटर के ले लिए और ज्वाइंट करके बीच में से, और ये मैंने पूरा एक पीस बना लिया है। और ये मैंने लेस भी जिस भी ज्वाइंट कर ली है, ये देखिए लेस लगा के उसकी लेंथ निकाली है। इसी में से मैं स्लीव्स बनाऊंगी जो डिजाइन की होंगी। और टोटल जो मैंने इसकी, ये देखिए टोटल जो लेंथ जो मैंने इसकी 9 रख ली है, ये देखिए 9 नहीं है फ्रेंड्स, मगर लेस लगा के 9 हो जाएगी। नीचे मुझे लेस चाहिए गोल्डन कलर की, ये देखिए। तो इसको मैंने ये भी डाल ली है, फ्रिल खींचने वाली है धागा खींच के, और डबल सिलाई लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड्स ध्यान से डबल सिलाई लगाई है। अब हमें क्या करना है, घेरे पे लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घेरे की कटिंग हो गई है। जैसे कि मैंने दिखाया था, चोली से हमें डबल लेना होता है, 4 फोल्ड हैं। ये देखिए दोनों साइड के पीस हैं फ्रंट और बैक के, और ये हमने कटिंग कर ली है, ये मैंने आपको दिखाया है। और उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने 2 मीटर नेट का कपड़ा लिया है और ये फुल रोल लिया है फ्रेंड्स। लेस का जो लेस है मैंने, ये कपड़े वाली है, ये देखिए कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और पूरा लिया है 2 मीटर, 2 मीटर में से मैंने क्या किया है, ये देखिए मैंने पट्ट निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप की पट्टियाँ कट कर लिए हैं, और जो कि मेरी 6 इंच की थी, ये देखिए इतनी मेरी स्टिचिंग में गई है 1/2 इंच के करीब, और 1/2 इंच मेरी इसके अंदर फ्रिल बनाने में गई है। तो ये 5 इंच हमारा रेडी हो जाएगा, और ये मैं 3 लेयर की बनाऊंगी फ्रेंड्स। और इसलिए वीडियो बड़ी होने की वजह से मैं 2 पार्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी, कटिंग की अलग से करूंगी फ्रेंड्स और स्टिचिंग की अलग से। और ये इसीलिए ये मैंने ये भी आपको नहीं दिखाया है, जो मैंने ये डाली है, ये काफ़ी बार धागा खींच के जो डालते हैं वही है, पहले धागा खींचा है। ये देखिए पहले मैंने धागा खींच के फिर डबल सिलाई लगाई है, ये देखिए। तो ये मैंने पूरे 2 मीटर में से पूरे पट 5-5 इंची के कट करके पूरा रोल लगा दिया है फ्रेंड्स, और ये मैंने एक ही सिंगल पार्ट बना लिया है, ये देखिए। और अब मैं इसी में से 3 लेयर कट करके आगे पीछे का नीचे का घेरा बनाऊंगी, और इसी में से मैं स्लीव्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये कटिंग की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और फैमिली मेंबर में भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के न्यू नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।